दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से मॉडल की, और ये पूरा मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों 13 फिट इसका फ्रंट है, और ये थोड़ा सा आपको अभी दिखाऊंगा प्लॉट किस टाइप का। फ्रंट की बात करें तो 13 फिट है, और गहराई की बात करें तो 80 फिट है, बट यहाँ पर लगभग 3 फिट इनका और बाहर निकला है, मतलब स्टार्टिंग में। आगे आपका 13 फिट है, बट अगर पीछे की बात करें तो 16 फिट हो जाता है, मतलब 3 फिट और बढ़ जाता है बीच में, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे एक पेड यूजर हैं, उनको उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है, और बहुत ही खूबसूरत प्लान है दोस्तों, देख सकते हैं। उनको कार पार्किंग वगैरह भी चाहिए थी, तो ऐसा ही मॉडल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको 3 बेडरूम चाहिए था, लेट बाथ चाहिए था, किचन चाहिए था, पूजा घर चाहिए था, कार पार्किंग चाहिए था, पीछे उनकी जगह कुछ छोड़नी भी थी, उनको वेंटिलेशन के लिए वगैरह चाहिए था। तो ये देखिएगा, आपको जगह भी यहाँ पर छूटी मिलेगी, लगभग 6x11 फिट अप्रॉक्समेट। तो यही पूरा मॉडल आज हम डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या ग्रामीण में घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे मॉडल्स आप क्रिएट करवा सकते हैं। जगह आपके पास भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन आप एक बेहतरीन सा और खूबसूरत सा मॉडल बना सकते हैं, जैसा कि मैंने इनको बना कर दिया है। हमारे जो पेड यूजर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है, तो पूरा डिफाइन करने वाले हैं आपके सामने। अगर आपकी भी ऐसी जगह है और आप एक सुंदर सा घर का डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट से दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कितना बेहतरीन सा डिज़ाइन है। दो पिलर उस पर आपको देख सकते हैं, ये यू और यू का कॉम्बिनेशन, मतलब बीम का है, जो कि एक बहुत ही पीओपी का डिज़ाइन बना हुआ है, एक खूबसूरत बीम का डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, इसमें ग्रिल वगैरह लगी, ऊपर देख सकते हैं स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने बना दी है, और ये पूरी आपकी छत बनी हुई है 80 फिट में। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, एक एक फ्लोर समझना आपको ज़्यादा आसान होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ग्राउंड फ्लोर पर आ गया हूँ, और इसमें मैं मैक्सिमम जूम करूँगा, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाएगी क्या बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये पूरे दो पिलर बने हुए हैं, इसका ये बीम का डिज़ाइन, और ये पूरा एक पोर्च टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है ना। ये दोस्तों पीओपी का डिज़ाइन आपने देखे होंगे, अक्सर बनाए जाते हैं, वो मैंने क्रिएट किया है। तो अगर इसे टॉप से देखेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर से आप देखिएगा मकान को, तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये दोस्तों, जैसा मेंटी करेंगे तो ये लगभग 19 फिट की जगह है दोस्तों। इस ये जो मेन गेट लगा है ना येलो कलर का, उसके बगल में एक स्टेयर्स है, सॉरी आपका विंडो है, और इधर से ही आपकी स्टेयर्स गई हैं, इसी हॉल से आप बाहर की तरफ आएंगे। तो मेन ये लगभग आपका हॉल 19 फिट में बना है, इसमें कार पार्किंग और स्टेयर्स को मैंने कवर्ड किया है। इसका जैसा आप अंदर जाते हैं तो आप मेन डोर से एंट्री करेंगे, मेन डोर से एंट्री करते आपको एक गैलरी मिल जाती है 4 फिट की, जो कि क्योंकि दोस्तों लगभग आपके पास इस स्टार्टिंग में 13 फिट और लास्ट में 16 फिट जगह है, तो ये एक 4 फिट का मैंने गैलरी दिया है। ये आपको एक किचन, सबसे पहले आपको किचन मिलेगा, इसमें वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो दिया है प्रॉपर तरीके से, और ये डोर इसका। ये दोस्तों पूजा घर है, पूजा घर में मैंने डोर नहीं दिया है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैंने इसे ओपन रखा है। इसके बाद फिर से अगर आप गैलरी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये एक बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम में इधर से डोर और ये एक विंडो दी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से सेम बेडरूम, एक डोर और विंडो, फिर से आगे बढ़ेंगे तो सेम बेडरूम और आपका विंडो मिलता है, लेकिन पीछे से थोड़ा सा आपका, क्योंकि इधर लगभग 16 फिट जगह हो जाती है, तो आपका 11 फिट में अप्रॉक्स ये बेडरूम बना है 10.5 फिट का अंदर अंदर, और 4 फिट की गैली, और इसी 4 फिट में ये लेटरन बात मैंने कवर किया है गैलरी में ही, और पीछे इनको 6 फिट लगभग जगह छोड़नी भी थी, तो वो यहाँ पर मैंने छोड़ दी है। पीछे क्योंकि जगह छोड़ी थी तो उसको जाने के लिए कहीं ना कहीं से डोर होना चाहिए था, तो उधर इस वाले जो सबसे पीछे है ना, उसमें एक मैंने विंडो दिया है और एक डोर भी दिया है, अगर इस बेडरूम से ही आप इस वाली जगह को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको किसी और जगह से यहाँ पर जाने के लिए जगह है तो आप इस डोर को हटा सकते हैं, और ये लेट बाथ को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पर मैंने एक वेंटिलेटर दे रखा है, क्योंकि आपकी जगह है। तो ये पूरा बेहतरीन तरीके से मॉडल आपको समझ में आया होगा। फ्रंट आपका ये है, मेन डोर ये है, गैलरी से आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले किचन मिलता है, फिर पूजा घर, फिर लगातार 3 बेडरूम, और इधर आपका लेट बाथ, और पीछे आपका ओपन स्पेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, मॉडल बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट मैंने नहीं किया है, सारे वही बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे, तीनों बेडरूम और गैलरी, वही लेट बाथ, ये ओपन स्पेस, आगे किचन और पूजा घर, सिर्फ आगे ग्रिल का डिज़ाइन चेंज हो जाता है। ग्रिल को मैंने लगभग 2.5 फिट बाहर निकाला है, छज्जा टाइप का जो निकलता है उसमें फिर मैंने ग्रिल दिया, आप देख सकते हैं साइड से, आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ये देख सकते हैं ना।
अब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि नीचे उनको ग्राउंड फ्लोर सॉरी ओपन चाहिए था, बेडरूम्स वगैरह नहीं चाहिए था, रहने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए था। तो नीचे जितने भी बेडरूम्स हैं आप हटा दीजिएगा, किचन वगैरह हटा दीजिएगा, आपका पूरा एक हॉल टाइप का स्पेस हो जाएगा, ओपन स्पेस। तो वो कोई एक बड़ी बात नहीं, आप नीचे के सारे अपने बेडरूम्स वगैरह हटाएंगे तो आपको हॉल बन जाएगा, और ऊपर का ये आपका पूरा डिजाइन ये बनकर आपका रेडी हो जाता है। बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर जैसे पहुँचेंगे तो 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, और स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बनाई है, डोर दिया है इससे छत पर आप आ पाएंगे, और एक विंडो भी दिया है, और ये प्रॉपर तरीके से ग्रिल का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। तो 13x80 13x80 फिट में ये मकान बना है। पीछे इसकी चौड़ाई 16 फिट हो जाती है और आगे इसकी 13 फिट है, जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। तो अगर आपको भी ऐसे मॉडल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं हाउस क्रिएट करूँगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों आपको ऐसी वीडियो में लगातार देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।